हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्री हाउस फूड। सो गाइस, सबसे पहले आप सबको मेरी साइड से, मेरी फैमिली की साइड से, सो गाइस मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली। आई होप आपकी दिवाली अच्छी गई हो, मस्त गई हो। और जब मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ तो उस दिन दीपावली है, तो हैप्पी दिवाली। सो गाइस, आज हमें बिकानो का पाव भाजी रेडी टू कुक है, उसको खाएंगे, देखेंगे कि कैसा होता है, खाने में टेस्ट में कैसा है। उससे पहले बता दूँ तो ये मुझे पड़ा था 100 रुपीज़ का और इसका वेट था 300 ग्राम्स। ठीक है, तो देखते हैं कि कैसा होता है कैसा नहीं होता। गाइज, मैं आपको बताऊँगा, अगर आप दिल्ली से, तो मैं आपको एक जगह रेकमेंड करूँगी जो कि करोल बाग मेट्रो स्टेशन के पीछे एक भैया ना ठेले पे लगाते हैं पाव भाजी। उनकी दुकान पे इतनी भीड़ रहती है, इतनी यम्मी पाव भाजी होती है ना, आप कभी वहाँ पे जाओ करोल बाग तो ज़रूर खा कर आना, बहुत ही अच्छी होती है। और अब मुझे बताना कि कैसी लगती है आपको। ठीक है, तो ये मैंने क्या करा था, जो इसका पाव भाजी का मैं वो पाउच था उसको मैंने गर्म पानी में डिप करके रख दिया था 2 से 5 मिनट तक। ठीक है, और ये बनते मैंने क्या कहते हैं बटर में सेक लेते हैं, आप ऑलिव ऑयल घी जिसमें भी आपका मन कर उसमें सेक के खाना। तो चलते हैं इसको खाने, टेस्ट करने की कैसा होता है, खाने लायक होता है नहीं होता है। अगर सडनली हमारा मन कर जाए खाने का तो हम मंगवा सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, काफ़ी कलरफुल था, ऑयल भी बहुत ज़्यादा भी नहीं था तो बहुत कम भी नहीं था। ठीक है, तो अब इसको चलते हैं टेस्ट करने। और मेरे पास ना क्या कहते हैं ना प्याज, तो मतलब नींबू भी नहीं था, कोरिडन लीव्स भी नहीं था। तो मैंने सोचा छोड़ यार, प्याज भी क्या ऐड करो, ऐसे ही इसका रिव्यू करते हैं, सिंपल जैसी आई थी वैसी खा के इसका रिव्यू करते हैं। ठीक है, तो गाइज टेस्ट की बात, तो मुझे मतलब बहुत वाव भी नहीं लगी, तो ओके थी। मतलब अगर आप इसको नहीं खाना चाहते तो कुछ बहुत बड़ी चीज़ मिस नहीं कर रही ये है। ठीक है, बाकी ये था कि पैसे वेस्ट नहीं है, कभी इमरजेंसी में आप लाके खा लो तो चल जाइए। और वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें बिना मत जाना, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना यार, आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत बड़ी हेल्प मिलती है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।